श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हुआ। अभी तक आप लोगों ने संक्षेप रूप में कृष्ण के तत्व के बारे में श्रवण किया। हमारे वेद शास्त्र में तीन तत्व के बारे में बताया गया। क्या कृष्ण तत्व? तीन तत्व के बारे में बताया, एक है संबंध तत्व और एक अविधेय तत्व, तीसरी प्रायोजन तत्व। संबंध तत्व कहा जाता है कि जिसके साथ हमारे संबंध हो और उस संबंध के अनुसार हम इष्ट देव की सेवा करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कृष्ण संबंध। कृष्ण क्या है? संबंध। और प्रेम प्रयोजन। प्रयोजन माने जो हमारी गोल जो है, और वही कोई प्रयोजन वस्तु के प्राप्ति करने के लिए उपाय जो है उसके कहा जाता है अविधेय तत्व कहा जाता है। इसे तीन तत्व के बारे में हमारे आचार्य पादों ने आलोचना करी। क्या क्या? संबंध, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। इसे कहते हैं वेद शास्त्र का ये संबंध अविधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्ति साधन अविधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। इसमें चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्टीकरण भी कर दिया। वेद शास्त्र कहे, वेद शास्त्र में क्या कहे, क्या कहते हैं? तीन तत्व के बारे में बताते हैं, संबंध अभिधेय एंड प्रयोजन। कृष्ण हमारे क्या है? प्राप्त संबंध कहा गया, और भक्ति प्राप्ति के साधन कहा गया, और वही अभिधेय के नाम ही क्या भक्ति कहा जाता है। अर्थात साधन के द्वारा जो हम वस्तु प्राप्त करते हैं उसके कहा जाता है प्रयोजन कहा जाता है, और वही प्रयोजन के कहा जाता है क्या? पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। पुरुष के अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ पहले पुरुषार्थ क्या है? तीन कहा जाता है, धर्म अर्थ काम। ये तीन को कहा जाता है त्रिपुरुषार्थ कहा जाता है। त्रिवर्ग भी कहा जाता है, पुरुषार्थ भी कहा जाता है। और इसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति, इसे कहा जाता है चतुर्वर्ग कहा जाता है। और ये मुक्ति के ऊपर जो है उसे कहा जाता है प्रयोजन तत्व कहा जाता है, वह प्रेम है। यही प्रेम ही क्या वस्तु है? प्रयोजन तत्व है। प्रयोजन माने गोल, हमें उसे जरूरी है। हम बोलते इस वस्तु हमें जरूरी है, मुझे प्राप्त करना चाहिए, प्रयोजन है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं यह परम वस्तु को प्राप्ति करने के लिए एक साधन भी बताया। वही साधन की एक नाम क्या है? भक्ति कहा जाता है। वह कृष्ण प्राप्ति के साधन के नाम है भक्ति, जिसको हम कहा जाता है अभिधेय कहा जाता है। और कृष्ण प्राप्ति
प्राप्ति में प्रेम नाम से एक विचित्र वस्तु, उसी की कहा जाता है प्रयोजन कहा जाता है। हम धन संग्रह करते हैं, धन कमाते हैं, किसे धन कमाते हैं? अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए है, इसलिए हम धन कमाते हैं। धन जब प्राप्ति हो जाता है, रुपया धन संपत्ति जब प्राप्ति हो जाता है, तब उसके हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ में, भोग में लगाते है। काम तो इसलिए करते हैं धन प्राप्ति हो, और उस धन के द्वारा अनेक प्रकार जो है सांसारिक सुख हम भोग करें। उसी प्रकार कहते हैं कृष्ण प्राप्त संबंध, और कृष्ण भक्ति क्या है? प्राप्ति की साधन बताया गया, और साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति हो रहा है उसी कहा जाता है प्रेम धन, प्रेम महाधन। इसलिए कहते हैं पंचम पुरुषार्थक कृष्ण प्रेम हमें प्राप्ति हो। कृष्ण माधुर्य सेवा प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस साधन। उसी प्रकार कहते हैं कृष्ण माधुर्य सेवा हमें प्राप्ति हो। ये चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला विंशति परिच्छेद, बस 20 परिच्छेद, मध्य लीला 20 परिच्छेद, श्लोक नंबर 125 और 126। अभी हम कुछ जो श्रवण कर रहे हैं कृष्ण तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आराधना सर्वेशं विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तो दियो नाम समर्थ। ये कौन बोल रहे हैं? श्याम शिवजी देवी पार्वती की ये कथा सुना रहे हैं, क्योंकि एक समय देवी पार्वती शिव जी के बोले प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए हम किसको आराधना करें। जैसे जैसे आपने सुना ये बोला, कोई शिव का आराधना करते हैं, कोई काली का आराधना करते हैं, कोई दुर्गा की आराधना करते हैं। हिंदू शास्त्रों में अनेकों देव देव की उपासना भी दिखा जाता है, करते हैं कि नहीं? अभी आ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी में लोग क्या पालन करेंगे? नव दुर्गा पालन करते हैं, क्या करते हैं? कब करते हैं? नवरात्रि पालन करते हैं, वो कब से शुरू होता है? अच्छा अक्टूबर, इस समय नहीं है? अच्छा चलो है, कहाँ भगवान की आराधना करना चाहिए, और भगवान की आराधना नहीं करके लोग देव देवी की आराधना करते हैं। क्यों? काम स्थिति हितज्ञान प्रबद्धन्ते अन्न देवता। स्वयं भगवान कहते हैं इस संसार के जो बद्ध जीव जो है अनेक प्रकार कामना के द्वारा वो दूषित है, इसलिए काम स्थिति हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता, इसलिए देव देवी की उपासना करते है। कोई काली की उपासना करते, कहीं दुर्गा की उपासना करते, कोई शिव जी की उपासना करते, अपने इच्छा के अनुसार वो सभी उपासना करते। किंतु देखो शास्त्र में कहते हैं भगवान की उपासना करना चाहिए, इसलिए शिव जी कह रहे हैं ये देवी पार्वती सुनो आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम। सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है? भगवान विष्णु की आराधना करो। अभी कथा में आइए, हम जो कृष्ण तत्व के बारे में जा रहे हैं, इसलिए विष्णु की आराधना करना चाहिए। किंतु लोग किसकी आराधना करते हैं? अन्य अन्य देव देवी की आराधना करते हैं। शास्त्र में भी कहा गया त्रिदेवता कहा गया, कितने देवता? त्रिदेवता। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और
महेश सिंह जी है। अच्छा, इस तीनों में किसको हम आराधना करेंगे या बताओ। एक बार देव समाज में भी ये शंका उत्पन्न हुई है, डाउट है। ये शास्त्र में तीन देवताओं की आराधना करने के लिए बताया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किसको आराधना करें है? जब ऐसे जब ये शंका होने लगे, सब देवता लोग भी विचित्र विचलित हो गए, किसको आराधना करें। इतने समय भृगु ऋषि प्रकट हुए। कौन ऋषि? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि आकर के बोले, देखो मैं आप लोग की समाधान करता हूं, संत रहे है? मैं जब तक लौट करके नहीं आ जाता हूं तब तक आप लोग शांति में बैठे है। किसको आराधना करना है? ऐसे करके भृगु ऋषि चल पड़े। भृगु ऋषि पहले कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास है, सत्यलोक में। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? सत्यलोक में है। और भृगु ऋषि आकर के वहां पर खड़े हो गए, ना प्रणाम किया ना उनको अभिवादन किया है, कुछ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बिगड़ गए, अरे मूर्ख, श्रेष्ठ जनों के पास आकर के कैसे व्यवहार करना तुम्हें सिखाई नहीं अभी तक है। बोले देखो, अपने से श्रेष्ठ जनों के पास कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी शास्त्र में दिखा गया है। धीर ही नम्र हो करके प्रणाम करके बैठना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? श्रेष्ठ जनों के पास नम्रता, दीनता प्रकाश करना चाहिए, दीन ही। और तुमने कुछ किया ही, मूर्ख है। ऐसे ब्रह्मा जी दो चार उनको गाली दे दी। उस समय भृगु ऋषि ने डिक्लार किया, ये भगवान नहीं है, इसके अभिमान है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं करने वाला हूं है, मैं सृष्टि करता हूं है। करता रहो अभिमन्यते, गीता में भगवान कहते हैं ये जो कहते हैं मैं करने वाला हूं, करता एक अभिमान मात्र है। अरे भगवान शक्ति देते हैं वो कार्य करते हैं, अपने कुछ कर नहीं पाते। अहंकारो विवरमात्मा कर्तार भी मन्नते। संसार के जीव अहंकार हो जाते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा हो सकते हैं, मैं करने वाला। अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि थोड़ी कर पाते, वो तो स्वयं भगवान ने क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी शक्ति प्रदान किया है, आज तब वो कर सकते हैं। अरे सृष्टि की बात छोड़ दिया, हम हाथ भी उठा नहीं पाएंगे। यदि प्रभु की शक्ति यहां पर नहीं आ जाए हम भी हाथ उठा नहीं पाएंगे, एक गिलास पानी भी उठाकर पी नहीं पाएंगे। पाइए थोड़ी सी शरीर में कुछ हो जाए, लेटे रहोगे बस, ऐसे बहुत दिखाई पड़ते हैं। किंतु जीव मायाबद्ध होने के नाते अपने को अभिमान करते हैं। उसी प्रकार भृगु ऋषि ने कहा, देखो ये रजोगुणी है, ये भगवान नहीं है, सत्य लोग छोड़कर के भृगु ऋषि कहां पहुंचे? शिव जी के पास पहुंचे, कैलाश में। कैलाश में जाकर के वो भी प्रणाम नहीं किया ना कुछ किया, खड़े हो और शिव जी कहने लगे, मूर्ख तुम ऐसे धिष्ट,
अरे गुरुजनों के पास आकर के किस प्रकार शुद्ध सदाचार करना भी सिखाई नहीं। और शिव जी त्रिशूल लेकर के उनको मारने के लिए दौड़े। तब उस समय भिगुर से उस स्थान को छोड़ करके जाने लगे और डिक्लार करने लगे ये भी भगवान नहीं है। क्यों? इसमें क्रोध है, तमोगुण है। ब्रह्मा जी में कौन सा गुण था? रजोगुण था। क्यों करे? मैं सृष्टि करना बोले मैं अहंकार होता है। ये कहते अहंकार और विमुरात्मा कर्ता रूपी मन में थे। और शिव जी में तमोगुण आ गए, मैं तुमके मार दू। तमोगुण के लक्षण है ना, मारना करना फटना झगड़ा झाटी करना है, ये समस्त तमोगुणों के लोग का। इसलिए कहते ये भी भगवान नहीं है। भगवान के लक्षण के हरि निर्गुण साक्षात प्रकृति पर भगवान के सु सत्तर रजत तमगुण की भी अतीत कहा जाता है। तब तो भगवान का जाए। चलो ब्रह्मा जी और शिव लोक से आगे चल करके शिव भृगु ऋषि वैकुंठ में पहुंचे। और उस समय स्वयं भगवान विष्णु शेष सज्जा में लेटे हुए थे। और भगवान कैसे सोते कैसे? बोले योग निद्रायाम, योग निद्रा में भगवान विराजमान है। उनकी आंख जो है अर्ध प्रस्फुटित कमल के भांति था। कैसे? अर्ध प्रस्फुटित, आधा खुले हुए हैं। जैसे कमल के पंखुड़ियां आधा खुलती है ना, है अभी दिया था जो कमल जो है। ठीक उसी प्रकार भगवान की आंख मानो जो है अर्ध प्रस्फुटित कमल की भांति योग निद्रा में ऐसे लेटे हुए। शेष सज्जा पर विराजमान थे संग भगवान और उनके पत्नी लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। और भिगु ऋषि ने क्या की? दरवाजा तो थोड़ा बंद था ना, और भिगु ऋषि जोर से धक्का दे करके दरवाजा खोली और खोल कर डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास जा करके क्या की? उनके छत्ती पर जोर से लात जमाए। ऐसे देखो उस समय भगवान विष्णु ऐसे दिखे, भाई अकस्मात कोई तुम्हारे पर आघात करे तुम क्या हो जाओगे? आश्चर्य क्या हुआ कहते है? तो भिगु ऋषि ने किया कि भगवान श्रीहरि की विष्णु की छत्ती पर लात मारे जोर से। और भगवान विष्णु ऐसे अकस्मात आंख खोले, पूर्ण रूप से आंख खोले और भिगु ऋषि भगवान के बक्षस्थल पर आघात करके फिर खड़े। देखो उस समय भगवान विष्णु क्या कहने लगे? कहने भृगु अहो तुम्हारी चरण में जरूर कुछ कष्ट हो। मेरे हृदय कैसे है? कठोर है, वज्र के भांति है, इसलिए जरूर तुम्हारे पैर में चोट लगे। स्वयं भगवान विष्णु भिगु ऋषि के चरण को अपने दबाने, अपने श्री हस्त कमलों के हस्त कमल के द्वारा उनके हाथ इस पैर को दबाने, कहीं कष्ट नहीं हो गया। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक के चरण को जैसे हाथों के द्वारा मसाज करता है, सेवा आदि करता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत धीर स्थिर नम्र भाव से भृगु ऋषि के कह रहे हैं, हे भृगु ऋषि
मेरे हृदय तो मानो पत्थर जो मेरे हृदय बुक स्थल पत्थर से भी और भी कठिन है। और तुमने जो मेरे बक्षस्थल में लाश जमा जरूर तुम्हारे चरण में कष्ट हो रहा है दुख रहा है, मैं तुम्हारे चरण को मैं सेवा कर दूं। देखो इस कथा को सुन करके संग भिगु ऋषि संग भिगु ऋषि लज्जित है। तब इसके पश्चात संग भिगु ऋषि डिक्लार किया ये भगवान कौन है, ये विष्णु ब्रह्मा और शिव ये भगवान नहीं है। भगवान जो होते हैं उनके कुछ लक्षण है सहिष्णुता है टॉलरेंस है ऐसा कितने सुंदर है और दीनता दीनहीन है। जो सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं वो उसके लक्षण आ जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनके सारे अच्छे अच्छे गुण अपने आप हो जाता है। जैसे पेड़ में फल लगने से पेड़ की सारे डालियां धरती की तरफ जैसे झुक जाते हैं। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावदार है अनुपन संग महापुरु कहते हैं ये फलवंत वृक्ष पेड़ में फल लगने पर जैसे वो पेड़ के सारे ब्रांचेस जो है शाखा प्रशाखा क्या धरती की तरफ झुक जाते हैं ठीक उसी प्रकार समस्त गुण आने पर वह व्यक्ति अपने ही दीनहीन बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावता श्रेष्ठ व्यक्ति के और एक गुण है धीर स्थिर नम्र स्वभाव होते हैं। देखो इधर ब्रह्मा जी के या शिव जी के पास जब भिगु ऋषि पधारे वो लोग कैसे उल्टी सीधी बोले गाली गलौज करने किंतु भगवान विष्णु धीर स्थिर है नम्र स्वभाव ये सब लक्षण क्या है सप्तगुण की लक्षण कहा है। और व्यक्ति की व्यक्तित्व को हम गुणों के द्वारा ही निष्पन्न करेंगे विचार करेंगे सत्य रज और तमगुण। सप्तगुण में धीर स्थिर वाले होते हैं और रजगुण व्यक्ति में अहंकार आता है और तमगुण वाले क्रोध आ जाता है काम क्रोध आदि बन जाता है ध्वंस की विशिष्टि है ध्वंस करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी गृह में आप लोग जब बिगड़ जाते हो गुस्सा आता है कि नहीं आता आता नहीं है उस समय गुस्से से आप क्या करते हो सब फेंक देते हो ये ध्वंस की। अभी ये स्वयं भगवान विष्णु भिगु ऋषि के कितने दीनहीन होकर के कहने लगे हे ऋषिवर आप हमारी कक्ष में आए और आपको मैं यथार्थ रूप में स्वागत नहीं किया है स्वागत शब्द वेलकम नहीं किया ये मेरा दोष है। जरूर आपके पैर में थोड़ा चोट लगी होगी देखो भगवान विष्णु कितने दीनहीन होकर के भगवान विष्णु कहने लगे मेरा बक्षस्थल कैसे है वज्र के भांति कठोर है और आपके चरण कमल कितना सुंदर कोमल है जरूर आपके चरण में कोई दुख चरण में कष्ट हो रहा है दुख हो रहा है कष्ट हो रहा है इसलिए मैं अपने वरद हस्त के द्वारा उसको ठीक कर देता हूं। इस कथा सुन करके भिगु ऋषि ने डिक्लेयर किया भगवान हो तो कौन भगवान है ये भगवान विष्णु है कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसलिए ब्रह्मा शिव आदि देवता ये लोग भगवान नहीं है, हम उसके सम्मान करते हैं, क्यों, ये सब भगवान के सेवक सेविका है। इसलिए शिव जी कह रहे हैं आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनं परम, ये आराधना करने सबसे श्रेष्ठ आराध्य वस्तु कौन है, भगवान विष्णु का आराधना है। ऐसे करके शिव जी मौन धारण कर लिए और कुछ नहीं आगे बोल रहे। तब तो देवी पार्वती, एक श्लोक के दो चरण होता है, एक श्लोक के कितने चरण होता है, दो चरण है। इसलिए पहले चरण तो क्या बोला, आराधनं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम, इसके बाद दूसरी लाइन क्या हुआ, देवी पार्वती बोले प्रभु पतिदेव ये श्लोक तो पूरा करके सुनाई है, तस्मै शंकर जी शिव जी कहेंगे देवी सुनो तो दियो नाम समर्च, तस्मात् परतम देवी तो दियो नाम समर्च, इससे भी श्रेष्ठ वस्तु क्या है नाम, अर्थात भगवान विष्णु तो श्रेष्ठ कहा दिया और भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ वस्तु कौन है, तस्मात् परतम देवी तदियो नंग समर्चनम, उनकी जो तदियो जो वस्तु जो है अत्यंत प्रिय वस्तु जो है, प्रियजन जो है उनको सेवा करो। तो किसको सेवा करना चाहिए, गुरु वैष्णव गंगा तुलसी ये समस्त जो है भगवान की प्रियजन कर रहे हैं, इसलिए नित्य प्रत्य क्या करना चाहिए, गुरुजनों की आदर करना चाहिए है? है? भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए हम तुलसी पूजन करते हो, करते कि नहीं करते, कुछ मंदिर में करते कुछ नहीं करते है? और जिस जिस मंदिर में जाता हूं भाई उनको दुख अलग करके क्या करें है, किंतु मैं जहां जहां पर अपने सत्ता है आसन सच कहता हूं, जहां पर मेरा सत्ता है नहीं भाई तुलसी आरती करो पूजा करो, और जहां पर मेरा सत्ता ही नहीं, बात सत्ता मतलब क्या, कोई बात सुनने वाला नहीं है, चलो जो कर रहे करने दो, मन ही मन में अपने आप कर लेता हूं और क्या करोगे, झगड़ा थोड़ी करोगे। इसलिए नित्य प्रत्यय कैसे करना चाहिए, वृंदादेवी की तुलसी की आरती होनी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से गुरुदेव के साथ रहे, मथुरा में देखा गुरुदेव स्वयं हरिनाम जो करते ना तुलसी पूजन करके करते थे है? भक्ति ऐसे नहीं हो जाती, केवल फेरा लगाने से नहीं होता है, है? उसे तुलसी आरती ये वृंदादेवी भक्ति, इसलिए कहते हैं तदिय गंगा की जमुना की आरती होनी चाहिए, जहां जहां पर हमें सुलभ है उसको ग्रहण करना चाहिए है? जहां पर नहीं है तो और क्या करें, मन ही मन करो है? जैसे इधर दिल्ली में रह रहे हैं, इधर भाई कहां जाएंगे, जमुना कहां मिले, गंगा कहां मिले है? चलो मन ही मन करो, बात सही है क्या है? इसलिए कहा जाता है संत देवी शिव जी कह रहे हैं आराधनांग सर्वेशं विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी, इससे भी श्रेष्ठ वस्तु क्या है, विष्णु आराधन की श्रेष्ठ वस्तु बा विष्णु की कृपा प्राप्ति करने के लिए और ये श्रेष्ठ क्या है, तो दिए जन है भगवान की अत्यंत निकटतम जन की तदीय जन कहा जाता है। एक है तदयात्मिक भक्ति और एक मध्यात्मिका, ये मेरा है और ये भगवान के अत्यंत प्रियजन कौन है, ये वृंदादेवी है। वृंदादेवी जब तक कृपा नहीं हो वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर नहीं पाऊ है। राधा जी के, राधा जी तो वृंदावनेश्वरी है, कहां गई तुम्हारी वृंदावनेश्वरी, भाग गई कहां गई, चली गई,
चलो कृष्णा रह गई। वृंदावन से श्रीमती राधिका, वृंदावन की ईश्वरी कंट्रोलर, किंतु वृंदादेवी एक केवल श्रीमती राधिका कितने दयालु से, चलो अपने नाम को दे दिया, वृंदादेवी को दे दिया। हम इसलिए कह रहे हैं तदीय जन ये सब भगवान के अत्यंत प्रिय जन है, इनकी कृपा जब तक नहीं हो वास्तव रूप में हम शुद्धा भक्ति में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्च। उनके तदीय जन जो है, नित्य प्रिय जन जो है, उनके सेवा करो तब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्न करने के लिए किसको सेवा करना पड़ेगा? उनके निज जन, उनके जनों की सेवा करना पड़ेगा। गुरु वैष्णव भगवान के निज जन भी कहा जाता है, तुलसी, गंगा, जमुना, ये सब भगवान के प्रिय जन है। इसलिए विष्णु आराधना तो परम श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ वस्तु उनके प्रियजन है। हम इसलिए ये सब इस प्रसंग उठाया, ये भृगु ऋषि जब विष्णु के छत्ती पर जब पदाघात किया, भगवान विष्णु कैसे दीनहीन होकर के भृगु ऋषि के बताया है। स्वयं भगवान जगत जी को शिक्षा देते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद के यदि किसी को प्राप्ति करना है, उसी प्रकार दीन ही इन्होंने बड़ा शान से लगा है। ये सब इसलिए श्रेष्ठ स्वयं भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए है। भगवान विष्णु और कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है, सिद्धांत सत्त भेदेशु, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार विष्णु राम निसिंह कल्कि कृष्ण से कोई भेद नहीं है, एक ही भगवान अनंत रूप में अनंत धाम में प्रकाशित होते हैं, वैकुंठ में विष्णु के रूप में, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश कृष्ण के रूप में, मथुरा में मथुराधीश के रूप में, और वृंदावन में वृंदन श्याम सुंदर के रूप में, रस माधुर्य और भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार स्वयं भगवान विविध रूप प्रकाश करते। जैसे जैसे भक्त होते हैं ऐसे भक्त के निकट भगवान वो रूप को प्रकाश करते हैं, दस भक्त संत रस भक्त के निकट भगवान चतुर्भुज रूप में बन रहते हैं। ओम संताकारम है, ओम बोलो कौन किसके याद है, ठीक से काल याद करके आना है, यहां से तो शुरू होगा ना है। चलो आगे की कथा, हम अयोध्या में भगवान वही स्वयं भगवान वही कृष्ण विष्णु, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। आज मर्यादा लेकर के प्रकट हुए भगवान रामचंद्र, क्या स्थापना की, मर्यादा का स्थापना, रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाय बरु वचन,
सबसे मजेदार दिखनी चाहिए। भगवान रामचंद्र यदि नहीं आते हैं, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, क्या स्थापना करके गए? मर्यादा को स्थापना। यदि मर्यादा लेकर हम नहीं चले तो समाज क्या हो जाएगा? श्रृंखल हो जाएगी। इसलिए भगवान रामचंद्र वही कृष्ण और रामचंद्र के रूप में आकर के मर्यादा स्थापना देखा। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाय बरु वचन न जाय। देखो कितने अयोध्या में भक्त के अनुसार भगवान अपने स्वरूप की भी प्रकाश करते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं। अयोध्या में भक्त को ज्यादा अधिक होते क्या? दास रस की भक्त, शुद्ध दास। हनुमान जी के कहा जाता है शुद्ध दास रस के भक्त कहा जाता है। इसलिए वही कृष्ण क्या बोले अयोध्यापुरी में राम स्वरूप में प्रकट हुए और सारी मर्यादा को जो है उन्हें स्थापित कर पालन भी कर रहा है। क्योंकि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए एक धीरे धीरे एक सिद्धि साधन सोपान कहा जाता है और इसके आगे जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण और इसके आगे मथुराधीश कृष्ण, इसके आगे जाकर के ब्रजनंदन श्याम सुंदर विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। इसे उपनिषद में कहा जाता है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है, इतना सुंदर। वो भी अपने अपने गुणों के द्वारा भी प्रकाश होते जा रहे हैं। यहां तक जीवों के गुण भी शास्त्र में बताए गए। जीव के कितने गुण है? 50 गुण है, वो भी अनु अनु मात्रा में। और शिव जी में या देवता में 50 गुण मनुष्य से अधिक रूप में है, अधिक क्वांटिटी में वो गुण। 50 तो गुण है किंतु मनुष्य अपेक्षा अधिक से 50 गुण देवता में कहा। और उसके ऊपर शिव जी के कितने गुण है? 55 गुण है। और उसके ऊपर सदाशिव लोग के पास विष्णु वैकुंठ में भगवान विष्णु के कितने गुण है? 60। और उसके ऊपर लोग राम लोग भगवान रामचंद्र में कितने? 62.5 गुण है। और उसके ऊपर कृष्ण लोग वनंदन श्याम सुंदर के 64 गुण है, 64 क्वालिटी। और उसमें 64 गुण में भी विशेष 4 गुण जो है, जीव को तो छोड़ दीजिए, देवताओं को भी छोड़ दीजिए, शिव जी को भी छोड़ दीजिए, यहां तक भी विष्णु वैकुंठ में विष्णु द्वारकाधीश मथुराधीश में भी नहीं है। बोले 4 गुण क्या है? भगवान के रूप माधुर्य, पहले रूप माधुर्य, इतने सुंदर भगवान के अंदर रूप जो है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, इतने सुंदर जो है वो क्या बना। किंतु इसमें 2 माधुर्य सर्वश्रेष्ठ बताया, अत्यंत जो है महत्वपूर्ण माधुर्य कहा जाता है वैनंदन सुंदर, जिसके कहा जाता है रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य, वेणु के दत्ता इतने इतने सुंदर रूप, जिस रूप के द्वारा सबके आकर्षित कर दे, सैनिक अपने आप को मोहित हो जाते हैं। जे रूपेर एक कौन त्रिभुवन डुबाए, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की भी वो रूप माधुरी की भी क्या करते हैं? डुबा देते हैं। इसलिए कहते हैं जे रूपेर एक कौन, एक कौन माने सामान्य जो है
कृष्ण तो अनंत सुंदर, इतने सुंदर रूप है, बोले एक रूप के एक कण को जो है अनंत पूरे विश्व ब्रह्मांड की रूप मान के भी वो डुबा दे, जे रूपेर एक कण ब्रह्मांड रूप माधुर्य है। और दूसरी क्या है, प्रेम माधुर्य, जिस प्रेम के द्वारा सबके आकर्षित कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे कब तक दौड़ता रहता है, किस में दौड़ेगा, क्या चाहते हैं वो है? क्या चाहते हो, व्हाट डू वांट, कृष्ण प्रेम, प्रेम प्राप्ति। आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तो वो पाछे पाछे, कृष्ण से तो मारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी, हर दिया पद छाया सोधये आमारे तुम्हार चरण धोरी, छय बेग दमी छय दोष सदी छय गुण देव दासे, छय सत संग देह हे आमारे बसे ची संगे रोयासे, हरे कृष्ण से तो मारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती, हमी तो कांगालो कृष्ण कृष्ण बोली भाई तो पाछे पाछे, ओ धाई तब पाछे पाछे धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण प्रेम पावर से खाई तब पाचे पाचे, कृष्ण प्रेम पावर से खाई तब पाचे पाचे है। ये बंगला में बंगली सॉन्ग भक्तिमान ठाकुर ने रचित है। हम वैष्णव के पीछे किसने दौड़ते हैं, ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने इसलिए कृष्ण से तुम्हार कृष्ण नीति मान, कृष्ण आपका ही है, हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण आपका ही है, आपके वशीभूत है, इसलिए आप कृपा करो तो हमें ये प्रेम प्राप्ति है। इसलिए और कृष्ण अपने प्रेमों के द्वारा सबको कैसे वशीभूत करते रहते, स्वयं कृष्ण प्रेम के द्वारा स्वयं ही वो बंध जाते हैं। देखो राधा प्रेम के द्वारा कृष्ण क्या होते, स्वयं वशीभूत हो, स्मर कर खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव बृंदारम, इतने सुंदर शब्द कोई बोल सकता है, हे श्रीमती राधिके आप अपने मान को त्याग दे दिए और अपने चरण कमल को जो है मेरे मस्तक पर स्थापित कीजिए। ये जयदेव गोस्वामी पाद की कलम क्या हो गया, हिलने लगे, लिख नहीं पाए। और उसी श्लोक की लास्ट लाइन जो है, संग कृष्ण जयदेव के रूप की रूप धारण करके और उस ग्रंथ में सोने के अक्षर में लिख दिया, प्रेम किए, इसे प्रेम माधुर्य। भागवत में तो संग भगवान क्या बोल रहे हैं गोपियों के लिए, न पारे हम निरुपदम संग ससाधु कृत विभिन्न, जा मा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृष्ट प्रतिजात साधुना, ब्रह्मा की भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि हे श्रीमती राधिका आपके चरण को मैं सेवा करते रहूं
तथापि आपके ऋण से कभी मैं मुक्त नहीं हो सकता। कितने सुंदर वाक्य भागवत में आ रहे हैं। स्मर क्या बोले, न पारे हम निर्बद्धम समझु साधु कृत्यु जामा दुर्जर गृह संकल संवृष्ट प्रतिजात साधु न। कैसे आपके सुंदर साधु व्यवहार। और इसके भागवत के ऊपर और थोड़ा आगे उठे तो गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे, कंसारूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम। इतने सुंदर रास चल रही है और उस रास में राधा जी मानवती होकर के रास छोड़ करके चले गए और सभी सखियों के सामने सैकड़ों गोपियां थी और उस गोपियों की सामने कृष्ण रास बंद करके राधा जी की पीछे पीछे दौड़ने लगे। सतगोटी गोपी है, अरे एक चली गई तो क्या हो गया है, यहां पर हजार लोग बैठे हुए एक चली जाए तो क्या हमें क्या आता जाता है, आता जाता कुछ है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार देखो सैकड़ों गोपियों के साथ रास विहार हो रही था, नित्य गीत आनंद चल रही था और उसमें उस सभास्थल में श्रीमती राधा जी मान करके चली गई, चली गई मतलब प्यास के लिए चली, पान पीने के लिए चली। जैसे कोई कोई यहाँ पर बैठे रहते हैं कथा कहते खड़े हुए थे कहाँ जा रहे हो, बोले पानी पीने के लिए जा रहा हूँ आ जाऊंगा बाद में। किंतु राधा जी कैसे चली गई मान करके है, तो अंतर काला बाहर काला है, झूठे हो गाली कर है, मानवती हो गाली गलत करती है। प्रेम की तो ही है, प्रिया प्रियजन के जब तक गाली नहीं दे तो प्रेम के माधुर्य का प्रकाश नहीं होता। क्या बोला, प्रिया प्रियजन की अपने अर्थात प्रेमिका प्रेमिक के जब तक गाली नहीं दे वो प्रेम की माधुर्य का प्रकाश नहीं होता है। उन भाषा में लिख रहे है, कितना सुंदर। एक प्रिया यदि मान करी करे भत्सन विदस्तुति होते मोर हरे मोर मन है, कृष्ण के कौन गाली दे सकते हैं, लक्ष्मी देवी नहीं बोल सकते गाली नहीं दे सकते, सीता देवी भी संभव नहीं है मर्यादा में पर है, रुक्मिणी सत्यभामा वो भी गाली देना संभव नहीं है, वहां पर भी मर्यादा रहता, और ब्रज में गोपियां गाली दे, चोर है बदमाश हो झूठ हो लबार हो क्या बोलते लंपट हो लबार और कैसे से गाली है, ऐसे शब्द और कोई बोल सकते, अत्यंत जय घृण शब्द जो हम बता नहीं सकते है। गोपियां ये शब्द भी बोलते हैं है। हाँ सुन, जिस शब्द आपके पास थोड़ी सी बोल देता है आप तो इतने लज्जित होकर हंस हंस करके स्थान पर छोड़कर चले जाए, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद इतने शब्द बोले है, महाराज ये शब्द है ना, हाँ जी है, देख पढ़ो विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हम कर, हम नहीं करे, राधा आदि गोपियां कृष्ण की ऐसे शब्द आदि बोलते हैं है, जिसे हम कभी अनुमान नहीं कर सकते है? क्योंकि जहां पर प्रेम है ना, प्रेम की जितने भी कड़ा धारण करेगा और उसमें उस कथा में सुनकर के और भी आनंद होता है, है? जिसके प्रेम जितना ही होता है उतना ही प्रेम बोलती है। राधा श्रीमती राधिका कृष्ण की कैसी मधुर गाली देते हैं, और कृष्ण वही गाली को सुनने के लिए ललायत होते हैं, 10 कान खड़ा कर देते हैं,
है, इसलिए करें। प्रिया यदि मान करी करे भसन वेदस्तुति होइते मोर हरि मोर मन। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग हाथ जोड़ करके क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, दासरस के लोग। गोपियां कहेंगी तू आदि पुरुष है, वो तो तू तारे रा बोलेगा है। पर प्रीति के ऐसे शब्द होते हैं ना, वो तू तारे रा था, आनंद होता है, है? किंतु संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, पाएंगे है? जैसे उस दिन मैं कहां बताया था है? अपने एक पत्नी जो है अपने सहेली के कार्य है, देखो मेरे दूसरे के जो पति जो है अपनी पत्नी के कितने सुंदर सर से उनको बुलाते रहते हैं, क्या बोलते हैं डार्लिंग, और क्या बोलते हैं है? क्या बोलते हैं स्वीट हार्ट है? और हमारे पतिदेव हमें कैसे बुलाते, अरे और कोई शब्द नहीं क्योंकि ये आई शब्द में कितने मधुरता है, वास्तव में है इस सांसारिक जीवन में। ये देखे है आज सांसारिक जीवन में ये भी तो के मधुरता आता है, मधुर शब्द है, किंतु कौन समझे इसमें। किंतु देखो हम इसलिए कह रहे हैं, संग राधा जी संग कृष्ण करे, प्रिया यदि मान करी करे वत्सन वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर मन। जब ये राधा आदि गोपियां मान करके मुझे ऐसे से गाली देते हैं, उस गाली को सुन करके मेरा हृदय में बहुत आनंद होता है। ब्रह्मा आदि देवताओं की सब स्तुति है, उसमें क्या होता है, फीका पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। करे प्रिया यदि मान करी करे करे भत्सन वेदस्तुति हुई ते मोर हरे मोर। हम इसलिए कहते अभिनंदन समसुंदर स्वयं ललायित होते हैं गोपियों पर, गोपी आदि राधा आदि गोपी के मुख से ये समस्त सुंदर मधुर भाव को सुनने के लिए। अभी 10 बजे थोड़ा बंद कर, इसलिए आम इसलिए करें ये अभिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण उसकी हम, वो हमारी आराध्य वस्तु है। आराध्य भगवान ब्रजेशन तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काची उपासना श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलं प्रेम महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत मदन तत्रादुरो वृंदन श्याम सुंदर में 64 गुण और विशेष करके 4 गुण जो मैंने बताया, रूप माधुर्य प्रेम माधुर्य लीला माधुर्य और ये किसी अवतार में संपूर्ण रूप प्रकाश नहीं है, तो एक ही सब सिद्धांत तत्व वेदेशु अपी शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, किंतु रस माधुर्य में रसन एव रस कृष्ण स्थित, रस माधुर्य के अनुसार रस विचार में कृष्ण की सर्वोत्तमता
शास्त्र में दिखाए गए। एक तत्व विचार में भी दिखाते हैं, रस विचार में भी। तत्व विचार में कृष्ण क्या है, एत जंग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान, तत्व विचार भी होता है। और रस विचार में हे स्वयं माधुर्य पूर्ण भगवान, कितना सुंदर है। इस वेणु के द्वारा सबको आकर्षित कर देते हैं। कस्त्रंग ते कल पादमृत वेणु गीत संग सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, केवल स्त्रियां नहीं है ये कृष्ण के दर्शन करके बाद कृष्ण की कथा सुनकर के मोहित हो जाते हैं। क्योंकि जगत के लोग कहते हैं यार ये स्त्री जाती तो कुछ क्या बोले सेंसिटिव है ना, भाव प्रवण है, इसलिए थोड़ी सी कुछ बोल दो वो मोहित हो जाती, इससे क्या। इसे कहते हैं नहीं, गो द्रिजा द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम, देखो वृंदावन की गाय की अवस्था देखो, गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके वृंदावन की गायों की अवस्था देखो। गो दीज दीज मने पक्षी, द्रुमा पेड़ आदि देखो, गो दीज द्रुमा और हिरण आदि के दशा देखो, गोविंद के वेणुध्वनि दर्शन कर सुन करके और वृंदावन की सभी प्राणियों में कैसे प्रेम उत्पन्न, सब विपरीत दशा में आ जाता है, स्थावर जंगम बन जाता है, जंगम स्थावर बन जाता है, जो चलने वाले हैं वो स्थिर हो जाता है और जो स्थिर वस्तु जो है वो चलना शुरू कर देता है। इसलिए वेणुगीत में ये एक दिखा रहे हैं है? गो द्रिजा द्रुमा गाय आदि के दशा दी, पेड़ आदि के दशा दी, कितना सुंदर है। गोविंद के इतने सुंदर रूप, इसलिए जे रूपेर माधुरी देखी वासुदेवेर को, गोविंद के सुंदर रूप देख करके स्वयं द्वारिकापुरी में जो चार जो गुह कहा चतुर्गुह कहा जाता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्गुह कहा जाता है। वही वासुदेव कृष्ण स्वयं गोविंद के इतने सुंदर रूप दे करके भी वो मोहित हो जाते, जे रूपेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो, आह इतने सुंदर है, स्वयं रूप स्वयं देख करके स्वयं मोहित हो जाता है, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद ललित माधव नाटक में इसे वर्णन किया है। कृष्ण के वर्णन संसद के त्रिभंग रूप जो है वो मूर्ति को देख करके दर्गाधीश कृष्ण द्वारिकापुरी में वो आश्चर्य होते कि ये मेरा ऐसे रूप है, जिस त्रिभंग रूप के संग वो सेवा करती थी, क्या ना सत्यभामा है सेवा करती, देखो उसमें वर्णन है। एक समय कृष्ण नव वृंदावन में प्रवेश किया और मधुमंगल के साथ चल रही, देखे वो सुंदर वृंदावन की माधुरी में देख करके कृष्ण इतने भाव में डूब गए, ब्रज की उद्दीपन होने लगे और उस चलते चलते बीच में देखा क्या, एक सुंदर जो त्रिभंग ललित विग्रह है किसका, वही धीर ललित कृष्ण के अपने विग्रह के देख करके कृष्ण भाव में डूब गए और देखा कि वहीं पर कोई पूजा करती है, तो कृष्ण विचार मनी मन विचार करने लगे इस द्वारिकापुरी में मेरे ये विग्रह की कौन पूजा करते हैं, त्रिभंग ललित से, क्योंकि उसे फूल आदि पड़ा हुआ है सब। तब मधुमंगल कहते काल हम पता लगाएंगे, दूसरे दिन कृष्ण मधुमंगल उस स्थान पर आए और एक जगह पर छुप करके बैठे रहे,
देखते हैं यहाँ पर कौन जाते, देखा क्या सत्यभामा है अपने सखियों के साथ आकर के उसकी सेवा आदि की, और सेवा आदि करके चले गए नव वृंदावन और मधुमंगल देव कृष्णा देख करके आश्चर्य, और फिर तीसरे दिन स्वयं मधुमंगल कर देखो एक काम करते हैं, प्रातः काल में कृष्ण मधुमंगल उस स्थान पर पहुंच गए और कृष्ण के जो त्रिभंग ललित जो विग्रह है ना उसको हटा दिए, हटा करके कृष्ण स्वयं जो है ऐसे त्रिभंग होकर के अर्ध मुद्रित नेत्र में ऐसे खड़े हुए। सत्यभामा सोचने लगे वही तो मेरा विग्रह, मैं हर रोज पूजा करती हूँ, पूजा कर रही, आज विग्रह में कुछ वैलक्षण दिखाई पड़ रहे, वैलक्षण विशेष को लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, मंद मस्कान जैसे आंखों के इतने सुंदर रूप आदि देख करके पूजा आदि किया, उसमें चंदन आदि लगाया और कृष्ण वही तो कृष्ण त्रिभंग होकर खड़े हुए ना, और कृष्ण के कुछ आज होंठ मानो फड़फड़ाने लगे, तत्व जब आज विग्रह में कुछ ऐसे दिखाई पड़े, विलक्षण कुछ दिखाई पड़ रहा है, उसे प्रार्थना करने लगे, आज हमारी पूजा विग्रह स्वीकार कर लिया है, कहते ही आप हमें वर प्रदान करें, उस समय विग्रह बोलना शुरू कर दिया, कौन बोल रहे हैं, कृष्ण कहने लगे हे सत्यभाम में तुम वर मांगो, हाँ ये कैसे जान लिया मैं सत्य हूं, विग्रह भी बातचीत करना, तो उस समय कृष्ण कहेंगे सत्यभामी हे धन्य तुम हो, मेरे त्रिभंग ललित जीव वृंदावन के विग्रह की तुमसे बात है, मैं प्रसन्न हो गया, मुझे वर मांगो, देख और कहने लगे कृष्ण कहने लगे हे सत्यभामी हे वास्तव जो है आप ही वही राधा हो है? तब सत्यभामा जब मैं यदि राधा हूं तो चंद्रावली कहां है, बोले यहां पर चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में सब एक वृंदा आदि सबके एक एक के परिचय बहुत सुंदर स्मृत वर्णन है इसमें, और इस स्मृत वर्णन के बाद फिर स्वयं कहने लगे हम अब वृंदावन में आप चलिए, तात्पर्य क्या इस लीला की, तात्पर्य है ये वृंदावन की कृष्ण की मधुरिमा, वृंदावन की धाम की सुंदर जो माधुर्य कौन वर्णन कर सकते हैं, संग कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं, इसे कहते हैं वासुदेवेर पैर बोला है वासुदेवेर माहुत माधु कृष्णेर माधुरी देखी वासुदेवेर को, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप मधुरी मां है, विशेष करके ये रूप माधुरी मां वेणु माधुरी मां ये चार मधुरी मां के द्वारा कैसे आकृष्ट होता है, इसलिए सभी कहते हैं वृंदावन के तुल है, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आराध्य भगवान ब्रज तनयन तो धाम वृंदावनम ब्रह्मा काज उपासना बज बुध प्रकरण जय कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण बलम प्रेम प्रमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदन तत्रादरो न पर वर्णनंदन कृष्ण श्याम सुंदर वही मूल विग्रह और उसके सब कुछ प्रकाश कहा जाता है, यथा दीपार्ची रेव जैसे मूल कंडल से अनेकों दीप आदि हम जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार वृंदन श्याम सुंदर कृष्ण सर्वोत्तम कहा जाता है, उनकी कोई प्रकाश विलास आदि ये सब दिखाया गया शास्त्र में, संघ आदि के रूप में दिखाया गया, इससे चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु स्वयं
ये सब लीला आदि प्रकाश करते हैं। इस समस्त कथा कृष्ण कथा को हम काल सुनेंगे। स्वयं रूप तदेकात्मरूप आविष्णाम प्रथमे तीन रूपे रहन भगवान, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्वि मूर्ति द्वि रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रज गोप मूर्ति, प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश, एक बपु बहु रूप जयच होइल रासे, महिषी विभासे होइल बहुविध मूर्ति, प्रभव विलास शास्त्र पर सिद्धि। कृष्ण तत्व के बारे में ये समस्त जानते, एक ही कृष्ण जो है त्रिविध रूप में प्रकाशित होता है, तीन रूप में, एक स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश, याद रखना पड़ेगा। अब इतना ही तो याद रखो तो अच्छा हो जाएगा, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रेमानंद हरि हरे भरे नंदन श्याम सुंदर की जय जय श्री राम। अब लोग प्रसाद लीजिए माँ। आइए सब ए ये रसगुल्ला जैसे लग रहे हैं, ये यूके का प्रसाद है, है?